Hey guys, this is Ayamika and welcome back to my YouTube channel Ayamika Vlogs. तो थंबनेल देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज है मेरा बर्थडे और ये होने वाला है मेरा बर्थडे व्लॉग. तो इस बार का जो मेरा बर्थडे है ना वो बहुत ही ऐसे नॉर्मल सा जाने वाला है क्योंकि मैं इस बार कुछ भी खास नहीं कर रही हूँ. बस घर का लंच वगैरह और थोड़ी बहुत बाहर जाके थोड़ा बहुत निक नैक खा लूँगी. बस यही है मेरे आज का बर्थडे व्लॉग. तो अभी बच रहे हैं दोपहर के 2 और अभी मैं लंच करूँगी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब से आज का लंच मैं शेयर करूँ. तो फ्रेंड्स, आज के लंच में बहुत कुछ स्पेशल तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी हम खाते हैं वही मैं आज खा रही हूँ. तो ऐसा है कि आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इसके बाद भी मैं बिज़ी रहने वाली हूँ. तो मैंने सोचा कि आज के बर्थडे के दिन को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया जाए क्योंकि साल में बस एक ही बार आती है. तो आज सारी बंगाली डेलिकेसीज बनी है. तो सबसे पहले है छोले इलिश, उसके साथ है चिकन करी और उसके साथ है चालकुंडो दिए इलिश माछेर माथा घंटो. तो मैं ऐसी बंगाली डेलिकेसीज को ना बंगाली में बोलना पसंद करती हूँ. तो मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे शाम को. फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा बर्थडे ड्रेस. तो अभी मैं फिलहाल केक काटने वाली हूँ. जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि छोटी सी सेलिब्रेशन होने वाली है, तो अभी मैं काटने वाली हूँ अपना बर्थडे केक. और मुझे आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए. आई होप कि आप सब मुझे ब्लेस करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर. तो छोटे से सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए छोटा सा प्यारा सा बर्थडे केक. तो ये है चोको पाइनएप्पल फ्लेवर का बर्थडे केक और अभी मैं काट रही हूँ अपना बर्थडे केक. तो ये मोमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एकदम बचपन से. और आप देख सकते हैं मैं निकल चुकी हूँ घर से रेस्टोरेंट की तरफ. तो ये है हमारे आज का कैफ़े शोहज पार्ट, जहाँ मैं आज आई हूँ अपना बर्थडे इवनिंग स्पेंड करने. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की एम्बियंस कितनी अच्छी है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. और ये गंगा किनारे एकदम है तो बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे डबल स्टोरी हट्स भी हैं, साथ साथ ना अम्ब्रेलास वगैरह लगे हुए हैं. तो आप इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं अपनी मील को. यहाँ आना बहुत ही आसान है. अगर आप हालीशेर स्टेशन से आ रहे हो तो आप ऑटो या टोटो कुछ भी लेकर डनलप घाट आ जाइए. और डनलप घाट के गणपति पैलेस पे ही ये स्थित है. अगर आप बागमोड़ की तरफ से आ रहे हो तो भी आप ऑटो या टोटो लेकर डनलप घाट आ जाइए. और बांसबेरिया से क्रॉस करके डनलप घाट आना तो है बहुत ही आसान. और नईहाटी की तरफ से आ रहे हो तो भी आप डनलप घाट ही उतरेंगे. तो यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स. हे फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ कैफ़े शोहज पार्ट में, जो कि हाली शहर में ही है जहाँ पे मैं रहती हूँ. तो ये भी मेरे बर्थडे व्लॉग का ही हिस्सा है. तो मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और आप सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और मैंने आज क्या ऑर्डर किया है. तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना किसको अच्छा नहीं लगता, और साथ में ऐसा मेन्यू हो और इतना पॉकेट फ्रेंडली प्राइस हो तो सोने पर तो है सुहागा. तो आप देख सकते हैं कि हमारा खाना यहाँ सर्व हो रहा है. तो हम बेसब्री से वेट कर रहे थे अपने खाने का, बट थोड़ा सा टाइम हमें लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये लोग सारे कस्टमर्स को इतने अच्छे से सर्विस दे रहे हैं. तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ मंगा लिया है. आप देख सकते हैं कि खाने से पहले थोड़े से वीडियो शॉट्स लेने ज़रूरी हैं. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ऑर्डर करा है एक शेजवान चिकन ग्रेवी, एक चिली पनीर, तंदूरी रोटी और एक मॉकटेल जो कि है ब्लू चोको लेमनेड. और मैंने अभी शेजवान
चिकन ट्राई किया है, तो यहाँ का शेजवान चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसमें माइल्ड स्पाइसेस ही यूज़ किए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ की तंदूरी रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे तो यहाँ का खाना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी इस रेस्टोरेंट के आसपास से हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। खाना टेस्टी है, साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, हर चीज़ बहुत ही एवरेज प्राइस्ड है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, तो ये प्लेस तो मस्ट विज़िट है। खाना खाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा नींबू शिकंजी पीने का मन किया, तो मैं अब वो ट्राई कर रही हूँ। वो भी बहुत रिफ्रेशिंग था और साथ में चाय भी थी, चॉकलेट टी एंड इलायची टी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो और ये व्यू देखिए फ्रेंड्स, ये है डनलप घाट का व्यू, बहुत ही सुंदर और प्यारा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।